Hi friends, now we want to discuss about the interview questions and collection in Java. So guys, we have one more question. What is the difference between list and set collection in Java? Basically, एक बहुत ही important question है. अभी हमें ये जानना है लिस्ट और सेट के बीच में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड सेट कलेक्शंस इन अ जावा. गाइस, वी हैव सम मेजर डिफरेंसेस. फर्स्ट डिफरेंस इज लिस्ट कलेक्शन कैन स्टोर द डुप्लीकेटेड डेटा. और अलाउ द डुप्लीकेटेड डेटा. And set collection cannot allow the duplicated data. एक है जो भी आपका list collection है ये duplicate data के साथ काम करता है और set collection duplicate data के साथ काम नहीं करेगा. Means set allow only unique values, unique elements. Number एक difference है. मतलब मान लीजिए अगर हम बात करते हैं list और set की. So, मान लीजिए अगर ये हमारे लिस्ट है. इफ यू थिंक अबाउट ये हमारा लिस्ट कलेक्शन है. अगर हम इस लिस्ट कलेक्शन की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ 10, 20, 30, 10, 50, 20 or 30. इट मे बी हैपन. ये ऐसे आपका डेटा डुप मतलब इस केस में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका 10 रिपीट आ रहा है और यहाँ पे आपका 30 भी रिपीट आ रहा है. तो ये लिस्ट अलाउ करेगा. लेकिन अगर हम सेट की बात करते हैं सो सेट कलेक्शन कैन नॉट अलाउ द डुप्लीकेटेड डेटा. मतलब अगर इस सेट की बात करते हैं ये आपका सेट कलेक्शन है. इस सेट की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे होगा ये 10 ये 20 ये आपका 30 ये आपका फिर से अगर आप 10 लिखेंगे 50 और फिर से अगर आप इसे 30 करते हैं तो ये आपको अलाव ही नहीं करेगा. राइट. तो इस केस में ये जो आपका ये सेट है ये आपका रिपीट 10 अलाउ नहीं करेगा. सॉरी, ये जो सेट है इस 10 को अलाउ नहीं करता है और ये 30 को भी अलाउ नहीं करेगा. सिर्फ ये यूनिक डेटा के साथ ही काम करेगा. दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट. ये एक मेजर डिफरेंस था. सेकंड डिफरेंस ये है लिस्ट कलेक्शन मेंटेन द इंसर्शन सीक्वेंस ऑफ अ डेटा यूजिंग इंडेक्सिंग. And set collection not maintain the insertion sequence of a data. इसका मतलब क्या है? मतलब set के अंदर data duplicate नहीं होता है. मतलब set के अंदर जो भी data है ये unique होता है. लेकिन अगर आप list की बात करते हैं तो list के अंदर data duplicate हो सकता है लेकिन list data की sequence maintain करेगा. मतलब list में जो भी हम data देते हैं लिस्ट के अंदर हम जो भी डेटा देंगे लिस्ट के अंदर हम जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं ये बाय इंडेक्स ऐसे होगा 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ये आपका इस तरीके से डेटा क्या करेगा मेंटेन करेगा बाय विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग. लेकिन सेट कलेक्शन में इंडेक्सिंग नहीं होती है. इंसर्शन सीक्वेंस मेंटेन नहीं होती है. अगर आप हैश सेट की बात करते हैं तो हैश सेट आपका डेटा रैंडमली जनरेट कर सकता है गाइस. ओके, ये एक डिफरेंस है. देन थर्ड डिफरेंस ये है लिस्ट कलेक्शन कंटेन द ओनली वन लीगेसी क्लास नेम एज अ वेक्टर एंड सेट कलेक्शन कैन नॉट हैव एनी लीगेसी क्लास. ये एक है. फोर्थ डिफरेंस ये है लिस्ट कलेक्शन अलाउ n number of null values and set collection allow
ओनली वन नल वैल्यू। मतलब क्या है, अगर आप लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, इसीलिए आप लिस्ट के अंदर कितने भी नल वैल्यू अलाउ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये ऐसे होगा, लिस्ट कलेक्शन एक से ज़्यादा नल वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेकिन अगर आप सेट कलेक्शन की बात करते हैं तो सेट कलेक्शन आपका एक ही नल वैल्यू के साथ काम करेगा। सेट कलेक्शन एक से ज़्यादा नल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, इट इज़ वेरी मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये दोनों के बीच का एक मेजर डिफरेंस है फ्रेंड्स, जो हमें समझ में आना चाहिए। क्लियर? ओके।